एकदम परफेक्ट मेथड के साथ मार्केट जैसे रसगुल्ला बनाना शुरू करते हैं। रोज रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर काऊ मिल्क लिया है। अगर आपके पास ये गाय का दूध अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे टॉन मिल्क ले सकते हैं। अब इस मिल्क को हम एक उबाल आने तक गर्म करेंगे। काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम रसगुल्ले बनाते हैं, उसके बाद वो ठंडे होते हैं तो उसके ऊपर एक घी की लेयर आ जाती है, या तो रसगुल्ले को बनाते टाइम हाथ में थोड़ा चिकनापन लगता है, इसलिए रसगुल्ले पे वो घी की परत ना आए या हाथ में चिकनापन ना लगे इसलिए हमको टॉन मिल्क लेना होता है। दूध में उबाल आता है तब तक हम दूध फाड़ने की तैयारी कर लेते हैं। दूध को फाड़ने के लिए आप इस तरह का या तो विनेगर यूज कीजिए या तो फिर एक नींबू ले लीजिए। दूध फाड़ने के लिए अगर आप नींबू का यूज करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, नींबू को एकदम निचोड़ के नहीं लेना, हल्के हाथों से उसका रस निकालना है, वरना जो नींबू के छिलके में जो कड़वापन आता है वो भी अंदर आ जाता है। और दूसरी बात कि आपको नींबू का जूस हमेशा स्ट्रेन करके लेना होता है, यानी कि छलनी से छान के लीजिए। मैं आज यहाँ पे दूध को फाड़ने के लिए 2 टेबलस्पून विनेगर यूज कर रही हूँ। जितना हम विनेगर लेंगे उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे, यानी कि आधा विनेगर और आधा पानी डालना है। दूध में उबाल आने तक हमें इसे हिलाते रहना है ताकि ये दूध नीचे से चिपके नहीं। देखिए दूध में उबाल आ गया है, अब हम इसे नीचे उतार लेंगे फ्लेम बंद करके। यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखें कि दूध उबाल के तुरंत हमें विनेगर या नींबू का जूस नहीं डालना है। इस तरह से नीचे उतार के उसे 1 से 2 मिनट के लिए हिला के ठंडा कर देंगे, उसके बाद इसमें विनेगर डालेंगे। देखिए दूध हल्का सा ठंडा हो गया है, अब हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा विनेगर डालते जाएंगे और दूध को हिलाते जाएंगे। एक साथ में सारा विनेगर नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर आप नींबू का जूस डाल रहे हैं तो भी इसी तरह से डालना है। अब देखिए मैं आपको 2 मिनट के बाद ये दिखा रही हूँ, इस तरह का पनीर और चना एकदम अलग हो जाए फिर हमारा चना तैयार है। फिर हम इसमें इस तरह से ठंडा पानी डाल देंगे 1 ग्लास। ठंडा पानी तुरंत डालने से हमारा जो छेना है वो हार्ड नहीं बनेगा। अब एक बर्तन पे इस तरह से स्ट्रेनर रखेंगे और इसके ऊपर मैंने कॉटन का मलमल का कपड़ा रखा है इस तरह का। अब इसमें सारा पानी के साथ छेना ले लेंगे। आपने जो मलमल का कपड़ा लिया है वो एकदम बारीक भी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वो फट जाए। अब छेने को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे जिससे छेना हमारा ठंडा भी हो जाएगा और उसमें या तो लेमन की या तो फिर विनेगर की जो फ्लेवर होगी, खट्टापन होगा, वो भी निकल जाएगा। अब इस छेने को अच्छे से दबा के इसमें से पानी निकाल देंगे। देखिए इस तरह से छेने को दबा के मैंने ज्यादातर पानी इसमें से निकाल दिया है। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और कोई भी वजनदार चीज इसके ऊपर रख देंगे। ये वजन नहीं रखना चाहते तो आप किसी भी नल या तो फिर ऊंची जगह पे आप इसे लटका के रख सकते हैं और इसे आपको 1 से 1.5 घंटे के लिए रखना है। रसगुल्ले के लिए हम चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप शुगर लिया है और 2 कप इसमें पानी डालेंगे, यानी कि 200 ग्राम शुगर है और 400 ml जितना मैंने पानी लिया है यहाँ पे। अब इसमें हम 1 से 2 उबाल आने तक गर्म होने देंगे। देखिए चाशनी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें से आधी चाशनी अलग निकाल लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और वो जो मीठी वाली चाशनी है उसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देंगे। ऐसा करने से हमारे रसगुल्ले में ना ही तो घी की परत जमेगी और हमको रसगुल्ले भी मीठे मिलेंगे। 1 घंटा हो गया है, अब हम छेने को चेक करेंगे। देखिए छेने को इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे, हमारा छेना एकदम प्रॉपर तैयार हुआ है। देखिए आप ये छेना देख सकते हैं, ये ना ही तो ज्यादा ड्राई है और ना ही तो ज्यादा गीला है। अब इस तरह से हथेली की मदद से इसे अच्छे से मस लेंगे। इस तरह से मसलने से जो ये इसमें दाने दाने पड़ रहे हैं वो नहीं रहेंगे और छेना एकदम चिकना तैयार हो जाएगा। इस छेने को हमको बहुत ज्यादा देर तक भी नहीं मसलना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही मसलेंगे, वरना अगर ये इसको ज्यादा मसलेंगे तो भी इससे बनने वाले रसगुल्ले बहुत ही हार्ड बनेंगे। देखिए 2 मिनट मसलने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। यानी कि आप 1 लीटर दूध फाड़ के अगर छेना बना के रसगुल्ले बना रहे हैं तो आपको 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर लेना है। यानी कि कॉर्नफ्लोर डालने के पहले हमको 2 से 3 मिनट छेने को मसलना है और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे 4 से 5 मिनट के लिए वापस मसलेंगे।
देखिए चने को मसलते हुए मुझे 5 मिनट हो गई है। देखिए इस तरह के जो रसगुल्ले में यानी कि छेने में हमको जो थोड़े से क्रैक्स दिख रहे हैं बस इतने ही दिखने चाहिए, यानी कि हमारा जो रसगुल्ले का छेना है वो प्रॉपर तरीके से मसल लिया है हमने। रोज रसगुल्ला बनाने के लिए मैं यहाँ पे पिंक कलर का फूड कलर यूज कर रही हूँ, पाउडर फूड कलर। आप हो सके तो इसमें पाउडर फूड कलर या तो फिर जेल फूड कलर ही यूज कीजिए, वाटर फूड कलर का इस्तेमाल मत कीजिए, वरना जो आपका छेना है वो गीला हो जाएगा। अब इस छेने का अच्छा सा डो तैयार करेंगे और इसे एक जैसे हिस्से में बांट के इसके रसगुल्ले तैयार करेंगे। 1 लीटर दूध में से अगर बड़ी साइज के बनाते हैं तो 10 रसगुल्ले तैयार होंगे, और अगर आप छोटी साइज के बनाने चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड है कि आप किस साइज के बॉल बनाते हैं। देखिए इस तरह से छेने को एक जैसे हिस्से में बांट लेंगे और इसके बॉल तैयार कर लेंगे। दोनों हथेलियों के बीच में इसे हल्के से दबा के इसके बॉल तैयार करेंगे, इसे ज्यादा प्रेशर से नहीं दबाना है। देखिए कलर डालने के बाद मैं दिखा रही हूँ, ऐसे दिखने चाहिए बाहर से रसगुल्ले के बॉल। ऐसे सारे बॉल मैं बना के तैयार कर लूंगी। रोज रसगुल्ला बनाने के लिए या तो रोज एसेंस यूज कीजिए या तो फिर आप रोज का वाटर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रोज एसेंस डाला है 3 से 4 ड्रॉप। अगर आप रोज वाटर यूज कर रहे हैं तो 1.5 चम्मच डाल दीजिए। और रसगुल्ले चाशनी में एक साथ सारे नहीं डालने हैं, 5-5 सेकंड के गैप में डालने हैं। यानी कि आपने पहला रसगुल्ला डाला, उसके बाद आप 5 सेकंड के बाद दूसरा डालिए, उसके 5 सेकंड के बाद तीसरा डालिए। ऐसा करने से चाशनी का जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं होगा और आपके रसगुल्ले अच्छे से फूलेंगे। काफी लोग रसगुल्ले को फुलाने के लिए उसमें थोड़ा सा अरीठा का पानी भी डालते हैं, पर मैं वो सजेस्ट नहीं कर रही क्योंकि उससे थोड़ा सा रसगुल्ले में कड़वापन आ जाता है। अब इसे इस तरह से ढक देंगे और इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे उबलने देना है। यहाँ 2 बातों का खास ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं उबालना है, ज्यादा से ज्यादा इसे 10 मिनट तक ही उबालेंगे। और दूसरी बात कि इसमें उबाल आना बंद नहीं होना चाहिए, यानी कि इसको हाई फ्लेम पे ही उबालना है। देखिए 5 मिनट हो गई है, अब हम ढक्कन को हटा के थोड़ा सा रसगुल्लों को इस तरह से चम्मच से घुमा लेंगे। इस तरह से रसगुल्लों को पलटा के वापस इसे ढक के 5 मिनट के लिए उबलने देंगे। अगर आपने रसगुल्लों को ज्यादा पकाया तो भी ये हार्ड हो जाएंगे। 10 मिनट हो गई है, देखिए हमारे रसगुल्ले तैयार है ना, एकदम फूले फूले। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार देंगे। रसगुल्लों को तुरंत ही चाशनी में से निकाल के इस तरह से बर्फ के पानी में या तो फिर ठंडे पानी में डाल देना है। ऐसा करने से इसका कुकिंग प्रोसीजर रुक जाएगा। देखिए ये नीचे पानी में बैठ रहे हैं, यानी कि हमारे रसगुल्ले हैं वो प्रॉपर बने हैं। और इस तरह से रसगुल्लों को तुरंत ही ठंडे पानी में डालने से ये सिंक होने से भी बच जाएंगे। इस ठंडे पानी में हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए ही रखना है। फिर इस तरह से हल्के हाथों से इसे दबा के सारा पानी निकाल देंगे और इसे जो हमने ठंडी चाशनी तैयार की थी उसमें डाल देंगे। इन रसगुल्लों को इस ठंडी चाशनी में डाल के कम इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने देंगे, तो ये और भी ज्यादा टेस्टी लगेंगे। और हाँ, ये रसगुल्ले को ठंडे पानी में डालने का जो स्टेप है वो भी स्किप मत कीजिए, ये भी बहुत ही जरूरी है। यानी सिर्फ कहने का मतलब यही है कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको रसगुल्ले के सारे स्टेप दिखाए हैं वो अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके रसगुल्ले भी बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। देखिए कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ले बने हैं ना, तो इस रक्षाबंधन पे आप ये रसगुल्ले भी अपने भाई के लिए बना सकते हैं। दूसरी मिठाई हम हलवासन बनाएंगे, वो भी नॉर्मल हलवासन नहीं, चॉकलेट हलवासन बनाएंगे, जिसे रक्षाबंधन ही नहीं आप और भी ओकेशन पे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है, मिल्क हमको ठंडा ही लेना है। इसमें मैं 1/2 चम्मच कॉफी और 1 चम्मच कोको पाउडर ले रही हूँ। इसको इस तरह से मिक्स करना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे। मैंने इसमें 1 चम्मच जायफल का पाउडर मिक्स किया है, आप कार्डमम पाउडर भी ले सकते हैं। 1/4 कप मैंने यहाँ पे घी लिया है, इसको एक बार गरम होने देंगे। देखिए गरम हो जाए, इसके बाद स्लो फ्लेम करके इसमें गॉर्न डालेंगे। 1.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे गॉर्न लिया है, ये एडिबल गॉर्न आता है। मैंने यहाँ पे गॉर्न को पाउडर फॉर्म में लिया है, अगर आप थोड़ा बड़ा आता है वो लेंगे तो भी चलेगा। इस तरह से इसे स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, फ्लेम को स्लो ही रखना है वरना गोंद है वो जल जाएगा।
देखिए कॉर्न फ्राई हो गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में वही घी जो बचा है उसमें हम गेहूं का आटा डालेंगे। गेहूं का जो भाकरी का आटा बोलते हैं उसको, दरदरा आटा, वो मैंने लिया है यहाँ पे 2 टेबलस्पून। अब इसको धीमी आंच पे सेक लेंगे। आटा हम बाइंडिंग लाने के लिए डालते हैं। गेहूं का आटा जो हम डालते हैं उससे बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आती है। नटमेग यानी कि जायफल का पाउडर इसमें डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए हो सके तो इसमें वही डालिए। इस तरह का आटे का गोल्डन क्रीम कलर हो जाए फिर हम इसमें दूध डालेंगे। दूध मैंने यहाँ पे 500 ml लिया है, यानी कि आज की क्वांटिटी के हिसाब से हमें आधा लीटर दूध लेना है। इसमें हमने जो चॉकलेट और जायफल वाला मिश्रण तैयार किया था वो डाल देंगे। आज के हलवा संघ की एक खास बात और है कि हम ये आज गुड़ से बना रहे हैं। 1/2 कप गुड़ लिया है मैंने यहाँ पे। हम घर पे बनाए या बाहर से लाए पर ज्यादातर मिठाइयाँ शुगर से बनी हुई होती है, इसलिए आपके घर में जो शुगर के पेशेंट है उनको आज की ये रेसिपी बहुत ही यूजफुल होने वाली है। और सच मानिए, ये गुड़ से बनाया हुआ हलवासन आपको शुगर से बनाया हुआ हलवासन होता है उससे भी ज्यादा पसंद आएगा। अब इसमें हम कॉर्न डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। अब इसमें कॉर्न को इस तरह से मिक्स करके इसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। हलवासन में मिश्रण को गाढ़ा करने का और इसे कंटिन्यू हिलाते रहने का ये मेन स्टेप है, तो इसका खास ध्यान रखें। ये मिश्रण नीचे से जले और चिपके नहीं, इसलिए इसे स्लो फ्लेम पे कंटिन्यू हिलाते रहे। स्लो फ्लेम पे इसे पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। इस तरह का गाढ़ा मिश्रण हो जाए, अब हम इसमें बादाम और काजू मैंने चॉप किए हुए रखे थे 1/2 कप लिए हैं, वो डाल देंगे यहाँ पे। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए पकाना है। हलवासन के मिश्रण को इस तरह का गाढ़ा करना है। अब हम इसे एक प्लेट में लेके रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। आज की इस रेसिपी में मैंने देसी गुड़ यूज किया है। देसी गुड़ हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप चाहो तो नॉर्मल गुड़ भी ले सकते हो इसकी जगह पे। 20 से 25 मिनट के बाद ये हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम इसे दोनों हथेली की मदद से इस तरह से शेप दे देंगे। कोई भी शेप दे सकते हैं आप। मैं इसे आज पेंडे जैसा शेप दे रही हूँ। इसमें हम इस तरह से आलमंड रख देंगे बीच में। इस तरह से मिश्रण में से सारे हलवासन तैयार कर लेंगे। कितनी आसान रेसिपी है ना, और बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स में ये स्वीट तैयार हो जाती है। बस इसमें सिर्फ आपको हिलाने का और ना चिपके उसका ही ध्यान रखना पड़ता है, और चॉकलेट फ्लेवर आने की वजह से ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो लीजिए, हमारे चॉकलेट हलवासन तैयार है। तो इस रक्षाबंधन पे ये चॉकलेट हलवासन अपने भाई के लिए घर पे जरूर बनाइए। तीसरी मिठाई हम गुलाब जामुन बनाएंगे, और वो भी बिना मावे के। और इस गुलाब जामुन के प्रीमिक्स को आप स्टोर करके भी रख सकते हो, और बाहर के जैसा ही सेम प्रीमिक्स हम घर पे बनाएंगे। और आज की रेसिपी की एक और खास बात है कि आज के गुलाब जामुन हम बिना फ्राई किए हुए बनाएंगे, वो भी बिल्कुल हलवाई जैसे सॉफ्ट और जालीदार। तो गुलाब जामुन की रेसिपी शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, पर उसमें लम्स नहीं हो उस बात का खास ध्यान रहे। अब इसमें 1/2 कप मैदा डाल देंगे, 1 टेबलस्पून सूजी डाल देंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी आपको यहाँ पे 3 टेबलस्पून जितना लेना है, क्योंकि हमको 1 टेबलस्पून घी की बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। जब भी आप कोई भी रेसिपी में बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं तो बेकिंग पाउडर ज़्यादा पुराना नहीं हो उस बात का खास ध्यान रखें। इन सारी चीज़ों को 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करके मस लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी न्यू रेसिपी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और अब आप हेल्दी कुकिंग लैब को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू।
दो मिनट सारी चीजों को अच्छे से मसल के मिक्स करके अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के डो तैयार करेंगे। दूध हमें रूम टेम्परेचर वाला लेना है, ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म नहीं। मैंने यहाँ पे 1 कप और उसके ऊपर 1/4 कप जितना दूध लिया है। देखिए इस तरह का डो तैयार करेंगे। अब इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब गुलाब जामुन के लिए ये चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कप जो मेजरमेंट के होते हैं उससे माप के शक्कर ली है, और 3 कप यानी कि जितनी शक्कर है उतना ही पानी लेंगे। अब इसे हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे और 1 से 2 उबाल आने देंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। अब इसमें थोड़ा सा सैफ्रन डालेंगे। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे कार्डमम पाउडर डाला है और 1 टीस्पून लेमन जूस डाला है। लेमन जूस डालने से जो हमारी चाशनी में ऊपर शक्कर जम जाती है वो नहीं जमेगी। अब इसे ढक के उबाल आने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद चेक करेंगे। देखिए हमारी चाशनी उबल के तैयार है। फ्लेम को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं करनी है, वरना हमारे जो गुलाब जामुन है वो चाशनी को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, और इससे ज़्यादा पतली भी नहीं रखेंगे वरना गुलाब जामुन इसमें घुल जाएंगे। ऐसी परफेक्ट चाशनी ही तैयार करनी है। अब इसे ढक के साइड में रख देंगे। गुलाब जामुन का जो हमने डो तैयार किया था उसे चेक करेंगे। अब हमको हाथ को घी से थोड़ा सा चिकना करके इसे अच्छे से मसलना है। ये थोड़ा स्टिकी टाइप का रहता है, इसलिए हाथ को घी से अच्छे से चिकना करके इसे हल्के हाथों से मसलना रहता है। इसे ज़्यादा बाहर देके नहीं मसलेंगे, वरना जो हमारे गुलाब जामुन है वो एकदम हार्ड बनेंगे। देखिए अच्छे से मसल के तैयार कर लिया है। अब इसे एक अलग प्लेट में ले लेंगे। इसे एक मलमल के कपड़े को थोड़ा सा गीला करके इस तरह से ढक देंगे, ताकि हम जब गुलाब जामुन तैयार करें तो इसका डो है बाकी का वो सूखे नहीं। अब इस तरह से एक स्पून की मदद से डो को हाथ में लेंगे और घी से हाथ को चिकना करके गुलाब जामुन इस तरह से हल्के हाथों से तैयार करेंगे। इस तरह से स्पून से लेने से हमारे सारे गुलाब जामुन एक साइज के बनेंगे। गुलाब जामुन इस तरह से तैयार करने हैं, बिल्कुल भी इसमें दरार नहीं रहनी चाहिए। और जो आपने गुलाब जामुन का डो तैयार किया है वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है। अगर 10 मिनट रेस्ट करने के बाद आपको डो थोड़ा सख्त लगे तो आप वापस से थोड़ा मिल्क डाल के उसे थोड़ा ढीला कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डो सख्त होगा तो आपके गुलाब जामुन बहुत ही हार्ड बनेंगे। इसी तरह से सारे गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। देखिए सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए हैं। आज जो मेजरमेंट लिया है उसमें से 30 गुलाब जामुन तैयार होते हैं। इसे इस तरह से मलमल के गीले कपड़े से ढक के रखेंगे ताकि ये सूखे नहीं। अब इस तरह का एक अप्पम का स्टैंड लेंगे और इसमें 1/2 टीस्पून हर एक मोल्ड में घी डालेंगे और इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। आज हम गुलाब जामुन को डीप फ्राई नहीं करेंगे, इस तरह से अप्पम के स्टैंड में सेमी फ्राई करके गुलाब जामुन बनाएंगे। सारे मोल्ड में इस तरह से घी डालेंगे और घी थोड़ा सा गर्म हो अब इसमें गुलाब जामुन रख देंगे। यहाँ पे 1-2 बातों का आपको ध्यान रखना है कि गुलाब जामुन को कंटिन्यू इस तरह से हिलाते रहना है और फ्लेम को एकदम स्लो रखना है। अगर आप गुलाब जामुन को कंटिन्यू हिलाएंगे नहीं और फ्लेम को थोड़ा सा भी ज़्यादा रखेंगे तो गुलाब जामुन बाहर से तो कड़क बन जाएंगे पर अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से कंटिन्यू चम्मच से हिलाते रहेंगे गुलाब जामुन को और हर तरफ से पकाएंगे। 7 गुलाब जामुन को इस तरह से पकाते हुए कम से कम 5 से 7 मिनट होते हैं। प्रॉपर गुलाब जामुन को किस तरह से पकाना है इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो को बिना कट किए हुए बताया है। फ्लेम को स्लो रख के कंटिन्यू इस तरह से हिलाते रहिए। काफ़ी बार गुलाब जामुन बनाते हैं तो बीच में लम्स रह जाते हैं, उसके लिए मैं आपको टिप्स दे रही हूँ आज कि कभी भी गुलाब जामुन का डो है वो सख्त मत रखिए। और फिर भी चाशनी में डालने के बाद आपको लग रहा है कि अंदर से गुलाब जामुन कच्चे रह रहे हैं तो आप गुलाब जामुन को चाशनी में डालने के बाद ही गुलाब जामुन के साथ ही चाशनी में 2 उबाल ला लीजिए। देखिए हमारे गुलाब जामुन तैयार है। अब इसे गर्मा गर्म चाशनी में डालेंगे। खास ध्यान रहे कि जब गुलाब जामुन को आप चाशनी में डालें तो चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए। अगर चाशनी बिल्कुल ठंडी हो गई है तो एक बार उसे वापस गर्म कर दीजिए, और चाशनी जैसी मैंने वीडियो में बताई है वैसी पतली ही रखिए, तो ही गुलाब जामुन में चाशनी अंदर तक उतरेगी।
सारे गुलाब जामुन को इस तरह से चाशनी में डालेंगे गर्मा गर्म, और इसे कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फूल सके। और आप कभी भी गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाएं तो चाशनी के लिए इस तरह का चौड़ा बर्तन ले। 7 से 8 घंटे के बाद हमारे गुलाब जामुन खाने के लिए तैयार है। बिना फ्राई किए हुए भी ये बाहर के जैसे ही एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनते हैं। इतने सॉफ्ट और जालीदार बनते हैं कि अंदर तक चाशनी को सोखते हैं। देखिए मैं इसे दबा के दिखाती हूँ, है ना एकदम रस भरे। देखिए मैं इसे एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, एकदम सॉफ्ट बनते हैं ये, है ना जैसे कि हलवाई बनाते हैं वैसे ही, और शादियों में खाते हैं वैसे ही सॉफ्ट और जालीदार। तो इस रक्षाबंधन पे इन तीनों मिठाइयों में से कोई भी मिठाई आपके भाई के लिए बनाइए, और आपके ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए।